नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। रेप करने, बंदी बनाने, रेप में सहयोग करने व आपराधिक षड्यंत्र के तहत 7 पुलिसियों से 18 के खिलाफ केस दर्ज। स्वयं के घर में बंदी बनाकर मां बेटी के साथ किया रेप, बेरहमी से पीटा व जान से मारने की दी धमकी। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने कहा कि मामले की जाँच के लिए एक SIT का गठन किया गया है। जाँच रिपोर्ट आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी का समाचार नहीं है। देखिए पल पल के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की खास रिपोर्ट। जी, ये जो मामला है इसकी शुरुआत करीबन 2.5-3 महीने पहले की है। ये जो बच्ची है, जो मुदैया है, उसने उस समय पर अपने पिताजी के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी मोलेस्टेशन की। उस FIR में हमने उनके पिताजी को गिरफ्तार भी किया था। जब उनकी बेल हियरिंग थी तो उस टाइम पे बच्ची कोर्ट में पेश हुई थी और उसने कहा था कि वो FIR उसने गलत फहमी में दर्ज कराई है और उनके पिताजी की बेल हो गई थी। जो हमारे पास अब बच्ची ने कंप्लेंट दी है उसमें उसने बताया है कि जो FIR उसके पिताजी के खिलाफ उसने दर्ज करवाई थी वह गाँव वालों और पुलिस के प्रेशर में आके दर्ज कराई थी। उसने एलिगेशन लगाया है कि गांव के मौजूदा सरपंच, एक्स सरपंच और 9 और व्यक्तियों का नाम उसने गांव से लिया है और 7 पुलिसकर्मियों का नाम भी लिया है कि इन्होंने उसके ऊपर दबाव बनाया, उसको डराया धमकाया ताकि वह अपने पिताजी के खिलाफ ये झूठी FIR दर्ज करा दे। उसने ये भी एलिगेशन लगाया है कि उसके बाद वो, ताकि वो सच ना बता सके, तो जो गांव के सरपंच थे उन्होंने उसको इलीगली कन्फाइन करके रखा, उसको और उसकी मदर दोनों को इलीगली कन्फाइन करके रखा। उसके बाद उसने ये भी एलिगेशन लगाया है कि एक दिन जो एक पुलिसकर्मी है वो उसके घर पे आया था, उसने तलाशी के बहाने उसके पिताजी के 50,000 रुपये निकाल लिए और साथ साथ उसका और उसकी माता दोनों का बलात्कार किया। साथ में वो ये भी उसका ये भी कहना है कि जो गांव के व्यक्ति हैं वो बाहर खड़े थे और उनको पता था कि अंदर ये पुलिसकर्मी उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है और उन्होंने बाहर गार्ड लगा के रखी ताकि कोई अंदर ना जा सके। तो इसके साथ साथ और भी एलिगेशंस हैं कि उसको मार पिटाई करी के साथ। ये भी वो उसका कहना है कि सरपंच ने उसकी माँ के ऊपर दबाव बनाया कि वो अपने पति के खिलाफ झूठी गवाही दे और पैसे ले ले इसके एवज में, और साथ में वो सरपंच के साथ रहने लगे। तो इस प्रकार के कई एलिगेशंस इसमें लगाए गए हैं। हमने FIR रजिस्टर कर दी है। जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट हमारे संज्ञान में आई हमने उस पर FIR रजिस्टर करा दी है। साथ में इसमें हमने एक SIT बना दी है क्योंकि जो आरोप है वो बहुत संगीन प्रकार के हैं और इसमें ज़रूरत है कि गहराई से इसकी तफ्तीश की जाए। तो एक DSP के नेतृत्व में हमने SIT कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें तफ्तीश पूरी करके सच्चाई को सामने लाया जाए। टोटल 18 व्यक्तियों के नाम लिए हैं बच्ची ने, जिसमें से 7 पुलिसकर्मी हैं और 11 जो हैं वो सिविलियंस हैं। जी, हमने जैसा कि मैंने बताया कि जैसी कंप्लेंट हमारे संज्ञान में आई हमने सीधा FIR रजिस्टर कर दी है। तो इस तरीके के आरोप हैं, इतने बड़ी संख्या के लोगों पे आरोप हैं, तो ज़रूरत है कि सारे जो सबूत हैं वो हम फाइल पे ले आएं और उसके बाद हम कार्रवाई अमल में लाएंगे।